हुकमरान की सरकार होवे और उन्होंने हल्के संबंधित चेयरपर्सन उन्होंने इलेक्शन तो 5-6 महीने पहला छड़ दे। इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आने वाले हालात कांग्रेस पार्टी लिए कहे जे बनने। अहदे की भुख से ढीठपना हद तो वध वेखण नूं मिल रहा है कि जे थोनू आपके मुख्यमंत्री ते भरोसा नहीं रह गया ते तुसी तां आपदा अहुदा छड्डदे नहीं। कांग्रेस तीन हिस्से च वंडी गई है। एक तां कांग्रेस ठोकोताली बन ग्रुप बन गया, एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह की बनी पई है और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना, और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना। वो बेचारे कदे सवेरे पता लगता है इनू खड़े होंगे, दोपहर में पता लगता उन्हू खड़े हो जाते हैं। इन हालात च पंजाब दे लोकां दा पंजाब दे मुद्दियां दा की बनना, भाजपा की लीडरशिप है उन्हों एक साफ तरीके नाल एक रेड फ्लैग है कि जे किसानां दी देश दे अन्नदाता दी नहीं सुनोगे तो लखां करोड़ां दे कट होने हैं और ये लोकां ने थोनू कदे माफ नहीं करना। सेंटर लीडरशिप सेंटर सरकार की साजिश है कि यह शो कर दें कि पंजाब च तां जी ग्रनेड की रिकवरी बढ़ी है, टिफन बॉक्स की रिकवरी बढ़ी है, ड्रोन्स की रिकवरी बढ़ी है, माहौल खराब है, इसलिए इतने राष्ट्रपति राज लग जाए। किसान जथेबंदियां वख वख दे सूबों चो आके छतरी थले इकट्ठी हुई ने, सूबे साडे देश की पोलिटिकल पार्टियां नूं भी कुछ सबक सीख के वो रस्ता फॉलो करने की लोड़ है और शांति बनाए रखना सब तो जरूरी गल है। हरियाणे के मुख्यमंत्री साहब नूं एक गल पूछ लियो, करनाल गया नूं कितना समा हो गया, थोड़ा हैलीकॉप्टर तो लत्तदा नहीं करनाल। और मैं अज दुष्यंत चौटाला जी नूं भी पुछदा है कि तुसी कहा कि एस डी एम ते एक्शन होना चाहिए जिन्हें वो ऑर्डर किए कि सिर फोड़ते जाण किसानां दे, ते अज तक एक्शन क्यों नहीं होया। श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े अज अज परिवार वड्डी गिनती में शामिल हो रहे हैं उहदे च वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट एस सी मोर्चा गुरदासपुर के साबका सरपंच दो दवान सत्कारयोग बीबी बीबी भगत जी भगवान दास जी जिहड़े मैंबर एग्जैक्टिव भी रहे हैं, और इस तरह नंगली पिंड तो मनदीप सिंह परमजीत सिंह रणजीत सिंह बलदेव सिंह बलविंदर सिंह मनजीत कौर रणजीत कौर बलजीत कौर राजविंदर कौर गुरमुख सिंह सरनैल सिंह, ये सारी लगभग कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को छोड़ के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल दियां गहराइयां चो इन्हां नूं जी आया नूं कहिंदा इन्हां नूं धन्नवाद करदा, और ये ज्वाइनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज तो कुछ समा पहला तरसिके और बाकी ब्लॉक समिति दियां चोणां होईयां सन और उस वेले भी कांग्रेस ने आपकी जोर अजमाई नाल एक चेयरमैन तरसिका आपकी बनाई सी और जिहड़े ये ज्वाइन कीते है सत्कारयोग बीबी जी परमजीत कौर जी PPCC दे जिहड़े एक्टिंग प्रधान ने डैनी जी उन्होंने हल्के संबंधित है उन्होंने चेयरपर्सन ने, और जदों PPCC दे प्रधान कोई नव नियुक्त होया होवे हुकमरान की सरकार होवे और उन्होंने हल्के संबंधित चेयरपर्सन उन्होंने इलेक्शन तो 5-6 महीने पहला छड़ दे, इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आने वाले हालात कांग्रेस पार्टी लिए कहे जे बनणगे। और मैं एक गल दी तां ये बीबी जी उन्हां नूं वधाई दिंदा कि इन्हां ने तां आपदा फैसला असूलन कर लिया, मगर बड़े हैरानगी दी गल है कि जिहड़े कुछ वजीर ने चार इह जे पंजाब सरकार च मैं कह सकदा लफ्ज़ वरतने तां नहीं चाहीदे मगर झटकी भाषा च जे कह दिया
अहदे की भुख से ढीठपना हद तो वध वेखण नूं मिल रहा है कि जे थोनू आपके मुख्यमंत्री ते भरोसा नहीं रह गया ते तुसी तां आपदा अहुदा छड्डदे नहीं। मगर एक ब्लॉक समिति की एक लेडी होने के नाते तुसी अहुदा दृढ़ इरादा वेखो और मैनू पता अज तो बाद उते दबाव भी बड़ा पैना कि जी ये तो एवें अकाली धक्के इन्होंने फैसला करा दिया कुछ करा दिया आपकी मर्जी नाल इत्थे आके बैठे है क्योंकि सरकारां बहुत कुछ कर दिया ने। मगर मैं समझदा उन्हां वजीरां नूं कुछ सीखण की लोड़ है कि तुसी एडा ढीठपुणा ना विखाओ जे थोनू इफ यू लॉस्ट फेथ इन योर चीफ मिनिस्टर फिर थोनू अस्तीफा दे देना चाहिए और अस्तीफा दे के जो असी श्रोमणी अकाली दल ने विधानसभा च गल उठाई सी कि वोटिंग होवे क्योंकि कांग्रेस तीन हिस्से च वंडी गई है। एक तो कांग्रेस ठोकोताली ग्रुप बन गया, एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह की बनी पई है और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना। वो बेचारे कदे सवेरे पता लगता है इनू खड़े होंगे दोपहर में पता लगता उन्हू खड़े हो जाते हैं। इन हालात च पंजाब दे लोकां दा पंजाब दे मुद्दियां दा की बनना। और कल तुसी वेखो बड़े जिथे मैं बधाई देना चाहुंदा साडे किसान लीडरशिप नू किसानां नू कि ठाठा मारदा कट्ठ उन्होंने मुजफ्फरनगर च कीता और मैं समझदा कि ये दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप नू जिहड़ी सेंटर सरकार है भाजपा की लीडरशिप है उन्होंने एक साफ तरीके नाल एक रेड फ्लैग है कि जे किसानां दी देश दे अन्नदाता दी नहीं सुनोगे तो लखा करोड़ों के कट होने हैं और ये लोगों ने थोनू कदे माफ नहीं करना। और मेरी अज अपील है सारी पोलिटिकल पार्टीज़ नू कि हुण पॉलिटिक्स तो उत्ते उठ के एक दूजे ते जाके किसान झंडिया थले विरोध करन दी थां जिस तरीके की एकजुटता पंजाब दे दुनिया भर के किसानों ने विखाई है ऑल पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर और उही सबूत जो मुजफ्फरनगर च किसानों ने दिता वह जहाँ सबूत कट्ठे होके एक झंडे थले कट्ठे होके किसानी मुद्दे ते कट्ठे होके जय जवान जय किसान दे उस नारे थले कट्ठे होके अज देश दे अन्नदाता की लड़ाई लड़न का समा आया। और मैं आस करदा उम्मीद करदा दैट सारी पंजाब की पोलिटिकल पार्टीज ये पंजाब का माहौल खराब करने की जगह पंजाब के बॉर्डर स्टेट के हालात बिगाड़न की जगह एक जगह पर एक मंच से कट्ठे होकर किसानी मुद्दों पर कट्ठे होकर लड़ाई लड़न का मन बनाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े ये परिवार शामिल होए है चाहे दीनानगर हल्के तो चाहे जंडियाला गुरु हल्के तो ते चाहे वो होर हल्कों तो जिहड़े अज जॉइन किए मैं उन्होंने दिल दीयां गहराइयां च उन्होंने जी आया कहना उन्होंने धन्यवाद करता। जे कोई सवाल है तो तुम मैं पूछ सकते हो जी फिर दिस एनी क्वेश्चन। देखो असी प्रोग्राम इसलिए हले आपदे रोके है क्योंकि असी नहीं चाहते कि जेडे माड़े अंशर इस बड़े है विच मैं उन्होंने किसान नहीं कह सकता क्योंकि किसान तो शांतमई है किसानों ने शांतमई आपदी अंदोलन असी वेख रहे पिछले 9-10 महीने के दिल्ली के बॉर्डर से बह के वो चला रहे हैं लड़ाई दिल्ली के सरकार नाल है। मगर जो सियासी पार्टी का जिस तरीके विरोध करना और मैं तो फोटो भी जनतक कीतिया ने कि ओ लोग ने जिहड़ा जिन्हां नूं मैं जॉइन जद कराउण जाना श्री हरगोबिंदपुर साहब जब मैं गया सी मैं सिटिंग काउंसलर जिन्हां नूं हुण कांग्रेस ने टिकट दित्ती सी उन्हां दे चार सिटिंग काउंसलर जॉइन कराउण गया सी जिन्हूं वह प्रधान बनाउणा चाहुंदे सी जिहड़ा तीन वारी उत्थों दा प्रधान रहा और विद फोटोग्राफिक एविडेंस यह गल स्पष्ट कीती कि किसानां ने मेरे नाल गल कीती वो मेरी गल नाल दलील सुन के उन्होंने आपका रस्ता खाली करने को कहा। मगर कुछ लोग सन जेडे कांग्रेस MLA दे भेजे सर जेडे चाहते नहीं सी कि कांग्रेस पार्टी को छड़ के अकाली दल में शामिल होने माहौल खराब करने की कोशिश की और मैं उही अपील की है कि जे माहौल खराब
जिस तरह कर रहे हो पंजाब च बहुत वड्डी गिनती शहरां च रहिंदी है बॉर्डर का एरिया वो इस मुद्दे ते चिंतित ने सानू पंजाब दे भले की गल करनी चाहिए किसानी दे भले की गल करनी चाहिए और यह जी किसी साजिश का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो सेंटर लीडरशिप सेंटर सरकार की साजिश है कि यह शो कर दें कि पंजाब चाहता जी ग्रनेड की रिकवरी बढ़ी है टिफन बॉक्स की रिकवरी बढ़ी है ड्रोन्स की रिकवरी बढ़ी है माहौल खराब है इसलिए इतने राष्ट्रपति राज लग जाए आई थिंक एज रिस्पोंसिबल पीपल वी ऑल नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस और तदे मैं कहना कि पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर जे असी मुद्दे प्रति आपकी संवेदनशील है और जो कल कट होया मुजफ्फरनगर च मैं समझना जब ये देश भर दियां किसान जथेबंदियां वख वख सूबिया चो आके छतरी थले कट्ठी हुई ने सूबे साडे देश की पोलिटिकल पार्टियां नूं भी कुछ सबक सीख के वो रस्ता फॉलो करने की लोड़ है और शांति बनाए रखना सब तो जरूरी गल हरियाणे के मुख्यमंत्री साहब नाल पूछ लियो करनाल गया कि समा हो गया थोड़ा हैलीकाप्टर तो लतदा नहीं करनाल थोड़ा हैलीकाप्टर तो हरियाणे के किसी सूबे च पिछले लंबे समय तो नहीं लथे और जे किसान थोड़े हक च ने फिर उस तरीके नाल किसानां नूं कुट्टण दी लोड़ नहीं पैनी सी और मैं अज दुष्यंत चौटाला जी नूं भी पुछदा है कि तुसीं कहा कि SDM ते एक्शन होना चाहीदा जिन्हें वो आर्डर कीते कि सिर फोड़ते जाण किसानां दे ते अज तक एक्शन क्यों नहीं होया लिप सर्विस नहीं चलूगी एक्शन इज नीडेड बराबर टक्कर लवांगे आपां हां जी बराबर किसानां नाल टक्कर लवांगे आपां चलो गरेवाल साहब दी तां गरेवाल साहब ही दस सकदे आ कल हरजीत गरेवाल ने महिला पत्रकारां नाल आई कंडेम दैट टोटली जी मैं समझदा कि एडे सीनियर और उम्र च भी बजुर्ग ने किसी भी धी भैन बारे जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती है उन्होंने माफी मंगनी चाहिए और ये गलत है जी मैं उसनु ठीक नहीं समझ सर आम आदमी पार्टी ने ये इल्जाम लगाया कि जिहड़ी कानून व्यवस्था दी तुसीं भी गल कीती कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा बहुत बुरी तरह प्रभावित है पर नाल दी नाल एक तां उन्होंने कहा कि कैप्टन नूं इस्तीफा देना चाहिए पर नाल अकाली दल बादल दे भी उन्होंने इल्जाम लाया कि जो कुछ अकाली सरकार वेले हो रहा सी सेम कंडीशन जिहड़ी अज पंजाब दी देखो आम आदमी पार्टी तां कांग्रेस दी बी टीम है इल्जाम लाने तो पहला उन्होंने ये पूछो कि थोड़े 7 MLA गए किधर ने और कईयों नूं तुसीं भेज के वापस भी ले आए हो थोड़ा जिहड़ा कांग्रेस नाल रोमांस है वह तो मुक नहीं रहा इसलिए तुसीं ते कांग्रेस रल के खेडदे हो मैनू तो हैरानगी हुई आ सैशन सी मैं वोटां दी मंग कीती ते आप आदमी पार्टी चुप करके बैठी रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की मदद करनी सी और उसे गवर्नर साहब नाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेज शेयर कर रहे हैं जेडे बिल रोकी बैठे हैं क्यों नहीं सवाल रखे लोगों के जे एक दिन का सैशन है तुसी 416 प्रकाश पुरब की गल 100 बारी करो मगर नाल ही आपदा किसानी के जेडे अंदोलन च बैठे है वह भी तो हक सच की लड़ाई लड़ रहे वह भी गुरु के दसे हुए रस्ते से पहरा दे रहे शांतमई तरीके 600 तो वध शहादत दे गए हैं तो जे गल ही गुरु साहब की हो रही है तो फिर उस किसान की भी गल होनी चाहिए जिसनों खेती नू सब तो उत्तम धंधा गुरु साहब ने दसिया समत बख्शी है सर सर यूपीएसएल चडूनी ने विच सर चडूनी जी ने कहा यूपी इलेक्शन के विच किसानों नू इकट्ठे हो जाओ तो यूपी के विच शिकस्त जो कि तुम समझते हो कि यूपी विच किसान इकट्ठे होकर काम कर सकते हो देखो देश के किसान कितने भी इकट्ठे हो गए सब नू शिकस्त दे देंगे और किसानों नू क्योंकि बड़ा लंबा समा चाहे वह कांग्रेस की सरकार सी और चाहे वह मौजूदा भाजपा की सरकार है जिन्होंने बार बार कहा कि असी किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे दुगनी का की करनी है किसानों के हर इनपुट प्राइस के भाव वधे है उस हिसाब नाल फसलों के भाव नहीं वधे और जिनी कमाई अज डीजल पेट्रोल तो वैट के टैक्स के रूप से सूबे ते केंद्र की सरकार कर रही है उस तरीके की कमाई तो कदे पहला वेखन नूं नहीं मिली है लखां करोड़ रुपया कमा गए ते बोझ पाउण दी जगह मदद तक कोई कर नहीं रहा 27 सितंबर देश बंद दा ऐलान कीता की अकाली दल उस ऐलान दा समर्थन कर दिंदा श्रोमणी अकाली दल ने सारे किसानी संबंधित जिन्ने भी ऐलान किसान
ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਮੋਲਾ ਉਜਮੋਲਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜਮੋਲਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ
रंग बिरंगिया लाइटां जगानियां लाइटां वो लाइट शो करना आई थिंक ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है जी ये नहीं चाहिए। साहब एक सर्वे होया जी आम आदमी पार्टी नु वोटां दित्तियां सीटां दित्तियां जा रहीयां 50 तो 55 श्रोमणी अकाली दल नु कटते ओ कांग्रेस नु दित्ते मेरा वो कागज दे दियो जी मेरा ये बहुत चंगी गल है जी ये सर्वे बड़ा चंगा होया साडे तां एक सर्वे हमेशा फायदा करके गया पिछली बारी आही सी वोटर ने सर्वे कीता सी आप दा और इन्होंने कहा कि इन्हों 90 तो 100 सीटा आनियां कांग्रेस नू आ मैं को कागज है मैं तुहानू चाहीदा तो शेयर कर लो तुसी रेफरेंस पॉइंट लई रख लियो 2017 दे ओपिनियन पोल इन्होंने कढ़िया सी 11 सीटा दित्तियां सी कांग्रेस नू ते आईयां 77 ते जिन्हां नू दित्तियां सी 97 उन्हां दी आईयां 20 आप नू ऐतकी दित्तियां 50 तो 55 ते जदों 97 दित्तियां 20 आईयां ते हुण 50 दे रहे ते मैनूं लगदा इक आऊगी इहदा तां इही मतलब है उहनां दा सियाणा तां समझ जांदा और कल्ला इक जगह नहीं आ मेरे कोल 2017 दा उत्तराखंड दा भी इन्हां ने कीता सी जिच रावत साहब आप भर गए सी उदों इन्हां ने मजोरिटी कांग्रेस नूं दित्ती सी 34 तों 38 सीटां आईयां 11 सीटां सरकार बण गई भाजपा दी। इसे तरह छत्तीसगढ़ च 18 च इन्हां ने भाजपा नूं दित्ती सी 43 सीटां ते आईयां 15 सीटां और इसे तरह तेलंगाना च इन्हां ने TRS नूं दित्ती सी 42 सीटां ते आईयां 88 इन्हां ने मजोरिटी इन्हां ने दित्ती सी TDP नूं। इह च कई सर्वे आ इन्हां दे जिहड़े लगभग गलती आई है इसलिए चलो ये किने दित्ते है क्यों दित्ते इहदे पिछे की मंशा है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਵਾਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਅਮਰਸਰ 에어ਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰਸਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ और जिस ते वड्डी गिनती च क्योंकि सूबा एक वेलफेयर सूबा होता वेलफेयर सूबे नू अपनी जिम्मेवारियां हेल्थ च एजुकेशन च और मैं रेलवेज भी कह सकता क्योंकि रेलवेज नू वड्डी गिनती यूज लोअर इनकम ग्रुप वाले करते हैं और यह जी चीज़ां नू प्राइवेटाइज करना फिर सारी चीज़ों के रेट वधूगे और बोझ आम लोगों के पैना जी के मैं खिलाफ ठीक है जी। सो मैं फिर एक बारी जेड़े चेयरपर्सन ते उन्हां दे साथी ते सारे शामिल होए आ दीनानगर हलके तो उन्हां नूं जी आयो कहिंदा उन्हां दा धन्नवाद करदा थैंक यू वेरी मच। मैनूं तां लगदा तुसीं करदे हो वेखो एक गल दी तुहानूं वधाई आ पहलां किवें डिस्को डांस करदा सी स्टेज ते तुसीं वेख्या ही होणा जिस दिन बणिया सी और जिस दिन 15 अगस्त वाले दिन ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਖੜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ।